नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वैभव भाटकर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले में। इसे देवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देवलोगों का वास होता है। तो यहाँ के जो प्रमुख दो मंदिर है, माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी, इसे माँ तुलजा भवानी को बड़ी माँ कहते हैं और माँ चामुंडा को छोटी माँ कहते हैं। तो चलो हम लोग आज इस दो मंदिरों का दर्शन लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर को विजिट कर रहे हो या दर्शन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे दो फैसिलिटीज़ है। एक आपको चढ़ के जाना पड़ेगा टेकड़ी को और एक है रोपवे। तो रोपवे आपको अराउंड 120 रुपीज़ पर पर्सन आने जाने का फेयर है, और अगर आप चल के जा रहे हो टेकड़ी पे तो आपको अराउंड हाफ एन आवर, मतलब एक आधा घंटा लग सकता है। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल टेक दर्शन ऑफ माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा। फाइनली हमारा जो रोप वे है वो चालू हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हो वही गेट है, वहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया था। और ये है ब्यूटीफुल नज़ारा ऑफ देवास। इस रोप वे से पूरा देवास का जो एरियल व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा और आप डेफिनेटली इस व्यू को इंजॉय करोगे। आप देख सकते हो पूरी सिटी ऑफ देवास आपको देखने को मिल रही है। ये पूरी देवास सिटी है और अभी हम लोग ऑलमोस्ट मिड ऑफ वे में आ चुके हैं। और मिड ऑफ वे आके ये रोप वे एक 30 सेकेंड के लिए रुकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो टाउन साइड जाने वाली रोप वे है उसे पासिंग करने के लिए। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है देवास का, बहुत ही सुंदर। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इस रोपवे से माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा को विजिट करो। दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग माँ के एंट्रेंस पे आ चुके हैं और इस एंट्रेंस को देख के आपको माँ वैष्णो देवी की जरूर याद आ जाएगी। दोस्तों, माता जी के दर्शन के बाद जो नज़ारा मैंने टेकड़ी पे से देखा वो देखने लायक था, अद्भुत था। क्योंकि जो फील आप माँ वैष्णो देवी के टेकड़ी पे से करते हो वही फील आप यहाँ पे करोगे। जो ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पे आती है वही ठंडी ठंडी हवाएं आपको यहाँ पे फील करने को मिलेगी। सो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत था। तो दोस्तों, इसको विजिट करने के लिए आपने तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा विस्तारित में इन दो देवियों के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ की जो बड़ी माँ है उसे माँ तुलजा भवानी कहते हैं और छोटी माँ है उसे माँ चामुंडा कहते हैं। वैसे तो ये दोनों भी बहने हैं, बट इतिहासों में या पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि एक बार इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इसलिए ये दोनों भी दो दिशाओं में जाने लगी। जो माँ तुलजा भवानी है वो पाताल लोक में जाने लगी और जो माँ चामुंडा है वो पर्वतों को चीरते हुए आगे जा रही थी।
का गुस्सा देखे सारे देवलोक भयभीत हो गए और सारे देवलोक इन दोनों बहनों का मन धारणा करने लगे। तो फिर माँ तुलसा भवानी है वो पाताल लोक में जा रही थी और जो माँ चामुंडा है वो जैसे पर्वतों को चीरते हुए आगे जा रही थी, तो उन दोनों को ही श्री हनुमान जी ने मनाया और दोनों का स्थान यहाँ पे स्थित हो गया। दोस्तों वैसे तो ये जगह शक्तिपीठ में आता है, जैसे माँ सती के कुछ अंश यहाँ वहाँ गिरे थे, बट कहा जाता है कि इस टेकड़ी पे माँ का कोई अंश नहीं गिरा था, यहाँ पे डायरेक्टली माँ का लहू यानी कि रक्त गिरा था। दोस्तों ये वही हनुमान जी का मंदिर है जब इन दो बहनों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये दोनों बहनें इस टेकड़ी का तहस नहस नुकसान कर रही थी, तभी हनुमान जी ने इन दोनों बहनों का गुस्सा शांत कर दोस्तों फिर से हम लोग एक बार मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण मंदिर को विजिट करने वाले हैं। उस मंदिर का नाम है कैला देवी। कैला देवी ये वही है जिसका डायरेक्टली कनेक्शन महाभारत से है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी मतलब वासुदेव और देवकी को जो एक कन्या हुई थी और उस कन्या की हत्या कंस मामा ने की थी, ये वही कन्या का मंदिर है जिसे कैला देवी के नाम से पहचानते हैं। और अगर आप इस मंदिर को देखोगे तो इस मंदिर की जो पूरी रचना है वो दक्षिण भारतीय सिस्टम से इन लोगों ने बिल्डअप किया हुआ है और इसका जो परिसर है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही हाइजीनिक है। यहाँ पे आने के बाद आपका जो मन है बहुत ही प्रसन्न होने वाला है। और मैंने सुना है कि ये जो देवी है वो हर मन्नत उसकी पूरी होती है जो यहाँ पे आके करता है। सो आई हाईली रिकमेंड टू एवरीवन, प्लीज़ कम हियर एंड विजिट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल। दोस्तों इसी मंदिर के परिसर में आपको और एक विशाल माँ वैष्णो देवी की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुबक है और इस मूर्ति के बाजू में ही माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी है, आप उसको डेफिनेटली विजिट करो। दोस्तों माँ वैष्णो देवी के मूर्ति के बाजू में और एक भव्य और विशाल हनुमान जी की मूर्ति है, उसकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। सो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग विजिट करने वाले हैं देवास के सबसे इम्पोर्टेंट वास्तु को, इसका नाम है सयाजी गेट। सयाजी गेट ये देवास के बिल्कुल मिडल एरिया में आता है और अगर आप इसे बारकाई से देखोगे तो इसमें मराठी या आप कह सकते हो मराठा साम्राज्य की पूरी छवि दिखती है, इसे इसकी सुंदरता और भी दुगनी हो जाती है। इस गेट के लगभग 3 नाम हैं, उसमें से एक नाम है पठान खून गेट और दूसरा नाम है शुक्रवरिया गेट और तीसरा नाम है नाहर गेट। अगर आप देवास आ रहे हो तो इस प्लेस को विजिट करना मत भूलिए।
दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं देवास के सबसे शांत और सबसे रमणीय जगह पे, उसे कहते हैं मीठे पानी का तालाब। ये मॉर्निंग 9 से लेके 11 तक होता है और शाम को 7 से लेके 9 o'clock तक रहता है। दोपहर में ये तालाब हमेशा बंद रहता है और शाम के वक्त का नज़ारा जो होता है वो बेहतरीन होता है, क्योंकि यहाँ पे फाउंटेंस वगैरह लगाया हुआ है और जो यहाँ का सनसेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑरेंजिश टाइप होता है। सो जब भी आप देवास आओगे सो प्लीज़ मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो फ्रेंड्स, ये देवास का जो ब्यूटीफुल ब्लॉग है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसे लगा तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स इन माई कमेंट बॉक्स। अगर आपको और कोई सजेशन देने हैं तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।